गाय या ग्राम वासियों का आतंक किसका? जय भारत दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं रामजी विजय। समस्या और चिंतन के पांचवें भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम सभी जो किसान परिवार से संबंध रखते हैं वो जानते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व खेत में हल चलाने के लिए बैल की और दूध के लिए गौ माँ और भैंसों को पालन करना पड़ता था। आज मशीनरी युग में बैल की तो आवश्यकता नहीं रही, किंतु दूध की आवश्यकता कभी खत्म नहीं हुई, जिसके लिए गाय भैंस बकरी आदि तो पालना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि दूध चाहते तो सभी लोग हैं, किंतु श्रम नहीं करना चाहते, जिस कारण गाय भैंस पाली नहीं जा रही। लोग इतने काहिल हो गए हैं कि जब तक गाय माता दूध दे रही है, जब तक किसी तरह उन्हें पाल रहे हैं, किंतु जैसे ही दूध देना बंद कर रही हैं, लोग उन गायों को भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं और दरवाजे से भगा दे रहे हैं। यह गाय अपनी भूख साधन करने के लिए खेतों में जाकर फसल को खाती हैं और नष्ट भी कर देती हैं। इतना आतंक उनका है कि कुछ किसान तो खेती करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ तो खेती करना भी छोड़ दिए, क्योंकि आज खेती भी आर्थिक प्रधान हो गई है। वो कहां से धन लाए, और लाए खेती करें तो भी एक दाना घर में नहीं जा रहा है। विचार करें, यह आतंक गायों का है या ग्रामवासियों का है? ग्रामवासी सरकार को दोषी ठहराते हैं, सरकार तमाम गौशाला का प्रबंध की है, खर्ची भी देती है, किंतु हम वह सुविधा भी नहीं ले पाते। कुछ पापी तो कहते हैं कि सरकार ने कत्ल खाने बंद करवा दिए, इसलिए गांवों का आतंक बढ़ गया है। अरे शर्म करें और सोचे, माता पिता जैसे हमें पालते हैं, पोसते हैं, लाते हैं, और जब बूढ़े हो जाएं तो क्या उन्हें हमें अनाथ आश्रम में भेज देना चाहिए? इतनी गिरी सोच, और उससे भी गिरी सोच, गिरी मानसिकता कि दूध दुहने के बाद हम गौ माँ को भूखा प्यासा या कत्ल खाने में कटने के लिए छोड़ दे, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो दूध देने के बाद गायों को ऐसी दुर्दशा के लिए छोड़ देते हैं। धिक्कार है ऐसे हिंदुत्व का नारा लगाने वालों को जो गौ माता को ऐसी असहाय अवस्था में छोड़ देते हैं, जबकि कुछ समय पश्चात वो पुनः दूध देंगे। समाज के मानिंद लोगों को और सरकार को मिलकर ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए कि गौ माता को असहाय अवस्था में छोड़ने वाले को कड़ा सा कड़ा दंड दिया जा सके। लोग सरकार को दोषी ठहराते हैं और जिस माँ की सेवा परब्रह्म भगवान कृष्ण करके एक उदाहरण प्रस्तुत किए थे, जिस गौ माँ के रोम रोम में तीर्थों का वास है, जिनका गोबर खाद बनाने के काम आता है, जिनके मूत्र से दवा बनाकर तमाम रोगियों को निरोगी बनाया जा रहा है, ऐसे गौ माता का पालन न करके यदि हम उन्हें भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी दोषी, सबसे बड़े पापी और अपराधी हम सभी हैं। यदि आप अपने दरवाजे पर गौ माता की सेवा करते हैं तो दूध मूत्र तो वो देगी देगी, साथ ही साथ आपको अन्यत्र किसी भी तीर्थ पर जा करके अधिक पुण्य प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे ज्यादा पुण्य आपको वहीं पर प्राप्त होगा। किसानों की खेती को नष्ट करने में गाय नहीं बल्कि ग्रामवासी ही दोषी है। गाय और बछड़े को वे खुला छोड़ देते हैं। समस्या का समाधान आपके अपने हाथ में है। आप मनुष्य हैं, मनुष्य बने, मनोभव मनुष्यता निभाएं। पुनः आप सबसे मुलाकात होगी समस्या और चिंतन के छठवें भाग में। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार न्यूज नेटवर्क। जय भारत।